Hello all. First of all, thanks for the third video's reviews. And now, so this is the fourth video. The topic is demand and supply. Don't worry, I'm not going to teach you the economics. See, here what I'm talking about is demand of something, achievement, the dreams, and the supply. Supply is in the form of hard work, patience, and sacrifice. मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपनी पर्सनल लाइफ में कि मैं किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन इन तीन चीज़ के फॉर्मूला से ढूंढ सकता हूँ, हार्डवर्क, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। जैसे कि मैं अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट की। हार्डवर्क किस चीज़ का? रिसर्च करने का, ठीक है। पेशेंस किस चीज़ का? स्टॉक को देखते हुए कि वो ग्रो करेगा, ठीक। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? अपने एंटरटेनमेंट का। कई बार आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी बात करने को नहीं मिलेगी, लव्ड वन से भी बात करने को नहीं मिलेगी, या किसी भी चीज़ का, ठीक। देखिए, हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है, एक मजदूर भी होता है। मैं उसकी ये नहीं बोल रहा कि मजदूर काम नहीं करता, ये बुरी बात है, बट उसके साथ जो दो फैक्टर्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा, एंड आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने 6th टाइम में जाके अपना वर्ल्ड कप जीता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स। 20-22 साल के पेशेंस रख कर जब आपको एक अचीवमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर चीज़ वैल्यू तीनों चीज़ की मिलाकर है, हार्डवर्क, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस, ठीक। उसके बाद जैसे कि मैं एक मेथड बताता हूँ, जो मैं कह रहा था डिमांड एंड सप्लाई का रूल। डिमांड किस चीज़ की? हार्डवर्क। जैसे कि मैं देखता हूँ, सपोज करिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे की सैलरी आपको मिलती है लेट्स से 10,000 रुपये, ठीक है। पहले दिन आप जाएंगे, देखेंगे अरे घड़ी नहीं कट रही, टाइम नहीं हो रहा यार, कब होगा, किसी तरीके से बस टाइम हो, 8 घंटे हो, बेल बजे, मैं घर जाऊँ जल्दी से, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप अपनी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, अचीवमेंट्स चाहते हैं, तो उसके लिए सप्लाई भी देनी पड़ेगी, यानी हार्डवर्क की, ठीक। और है सेक्रीफाइस किस चीज़ का रखना होगा कि अपने अब 10 मिनट लेट से मैं करता हूँ कि मैं 8 घंटे 15 मिनट आज काम करूँगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा। पहले दिन होगा नहीं हो पाएगा, एक हफ्ते तक, एक महीने तक मैंने सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा काम किया, तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरी बॉडी को आदत पड़ जाएगी कि हाँ मैं 15 मिनट आराम से काम कर सकता हूँ, जहाँ मैं एक महीने पहले 8 घंटे भी काम नहीं कर पा रहा था। अब ये 15 मिनट जो सेक्रीफाइस आ रहा है, ये किस चीज़ का है? आप किसी अपने दोस्त के साथ पार्टी में जा सकते थे, अपने लव्ड वन से बात कर सकते थे, बुरे से बुरा टीवी, न्यूज़, एंड अब तो बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद अब मैं धीरे धीरे, एक महीने के बाद मैं धीरे धीरे 8:15 से 8:30 घंटे काम करूँगा, 8 घंटे 30 मिनट। उसके बाद जब मैं 8 घंटे 30 मिनट काम करूँगा, तो पहले मुझे लगेगा मैं 2-3 महीने 8 घंटे 30 मिनट पे ही प्रैक्टिस करूँगा, 8:30 घंटे पे। अब मेरी सैलरी हो जाएगी 11,000 से 12,000 रुपये। पहले 10,000 थी 8 घंटे पे, 8 घंटे 15 मिनट पे 11,000 हुई, अब हो गई 12,000। धीरे धीरे मैं 2-3, 3-4 महीने इस पे ही प्रैक्टिस करूँगा। ऐसे करते करते अब मैं करूँगा 9 घंटे काम। 6 महीने मैंने 9 घंटे पे काम किया, अब मेरी सैलरी हो चुकी है 15,000। ऑलमोस्ट सिर्फ 1 घंटा काम करने का मेरा इंक्रीमेंट हुआ 50%। धीरे धीरे मैं काम करूंगा 10 घंटे और मेरी सैलरी हो जाएगी 20,000। जब मेरी सैलरी 20,000 होगी, तब मैं ये चीज़ नोटिस करूंगा कि मेरी बॉडी जहाँ पहले दिन 8 घंटे भी नहीं झेल रही थी, अब वो 10 घंटे 20,000 के लिए आराम से झेल रही है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ दिख रहा है, एक अचीवमेंट है कि आपकी सैलरी 10,000 से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 20,000, और आपको पता भी नहीं लगेगा वो 2 घंटे कहाँ गए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मेंटली एज वेल एज यू आर रेडी फिजिकली, आप दोनों चीज के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हो कि आपकी चीज किस तरीके से काम करेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार इसमें लक का भी रोल होता है, कुछ मिला नहीं मिला। एक छोटी सी 1 मिनट या 2 मिनट की स्टोरी। हार्डवर्क और लक एक दो कीज है। जैसे कि कभी आप लोगों ने बैंक में लॉकर देखा है, पहले आप अपनी की डालते हैं, फिर मैनेजर आता है, वो अपनी की डालता है, तभी लॉक खुलता है। सेम चीज डेस्टिनी या लाइफ के साथ है। पहले आप अपनी की लगाते हैं, यानी हार्डवर्क की लगाते हैं, और जो लक्की की है वो गॉड के पास है, भगवान के हाथ में वो लक्की की है। आप अपना हार्डवर्क करते रहिए, क्या पता भगवान कभी भी लक्की की लगा दे, और आप जैसे ही वो आपकी की लगी और आपका काम बन गया। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि काम रुक गया, कि लक की भगवान के पास है तो मेरा काम रुक गया, भगवान चाबी नहीं लगा रहे तो काम हो ही नहीं रहा। आप धीरे धीरे स्लोली तो मूव कर रहे हो ना, आपका काम धीरे धीरे तो आगे बढ़ ही रहा है,
ठीक, यहां से मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था कि अगर आपके पास तीन फैक्टर्स हैं, हार्डवर्क, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं किसी भी चीज में। पढ़ाई में लीजिए हार्डवर्क किस चीज का, उसको रटने का, देखने का। पेशेंस किस चीज का, मार्क्स आने का। पहली बारी में पास नहीं हुआ, दूसरी बारी पेशेंस रखना पड़ेगा, तीसरी बारी, चौथी बारी। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्रीफाइस की, किस चीज का, एंटरटेनमेंट का। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहा, मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में नहीं जा रहा, मैं टीवी नहीं देख रहा, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा, मैं फेसबुक यूज नहीं कर रहा, फोटोज आ रही हैं, स्नैपचैट पे आ रहे हैं, मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, बट अचीवमेंट भी तो आपको मिलेगा। ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इवन आजकल के रिलेशनशिप्स, उसमें भी ये तीन चीज़ें, हार्डवर्क, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। हार्डवर्क ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने पार्टनर के लिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप एक दो दिन के लिए तो बनी ही नहीं है आपकी, और ऑब्वियसली बात है सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ सेक्रीफाइस किसी और चीज़ का आ जाएगा फिर, कि आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, यहाँ पे आप अपने खुद दोस्तों के साथ नहीं जा रहे तो आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं। या सेक्रीफाइस कह सकते हैं थोड़े पैसे बचा के एफर्ट्स जो डालने हैं उनके लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे गिफ्ट्स वगैरह के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेस मीन्स नथिंग टू मी इफ इट इज हार्ड टू गेट। गुड लक, कीप अप डूइंग द हार्ड वर्क बट विथ पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। प्लीज अपने रिव्यूज दीजिए एंड थैंक यू सो मच।